दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे नए ब्लॉग में। आज फिर हम एक चर्चा करने चले अपने स्टेशन पे और काम वही है हर रोज की। हमारी तो दिनचर्या ही रहती है, रोज कुछ ना कुछ नया काम कराना, मेंटेनेंस कराना, फेल्योर अटेंड करना, जिससे कि आपकी ट्रेनें बहुत ही स्मूथ और समय की पाबंदी के साथ चले, जिससे कि आम यात्रियों को या रेलवे के माल ढुलाइयों में पंचुअलिटी बनी रहे। पंचुअलिटी विश्वास का एक सबसे बड़ा जगह है कि अगर आपने किसी की जिम्मेदारी ली है कि मैं आपको इतने समय में यहाँ से वहाँ पहुँचा दूँगा या आपकी सामग्री को यहाँ से वहाँ पहुँचा दूँगा, तो वो समय की पाबंदियाँ मेंटेन होनी चाहिए। और उसमें हमारा डिपार्टमेंट सिग्नल का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज फिर प्रोग्राम है और वहाँ पे हम एक और पॉइंट का TWS करने जा रहे हैं। उसके साथ साथ में और भी कुछ नई चीज़ें देखेंगे, जो यार्ड में नई चीज़ें दिखेंगी, नया कार्य दिखेगा और उसके बारे में आपको हम बताएंगे कि क्या चीज़ें हैं। एक दिन और वीडियो में मैंने दिखाया था इस टनल के बारे में आपको। ये बड़ा ही खतरनाक और बहुत बड़ा टनल है, बड़ा तो नहीं कहा जाए, छोटा ही टनल है, बट पुराने समय के हिसाब से बनी हुई है, बिना रॉडिंग की, सिर्फ पत्थर के शेप के बने हुए हैं। और ये हमारे एरिया में है जहाँ मैं रहता हूँ। इसको बोलते हैं हाइट गेज। ये इसलिए दिया जाता है कि कुछ ऊंची गाड़ियाँ जो उस टनल के ऊपर तक में टच करेगा, एक सेफ हाइट तक में एक लगा दी जाती है, जिसको बोलते हैं हाइट गेज। तो चलिए रेलवे की कुछ जानकारियां आपको देंगे, आगे हम यार्ड में पहुंचेंगे तो फिर आगे आपसे बात करेंगे। अभी चलते हैं यार्ड में। दोस्तों नमस्कार, पहुंच गए हम अपने साइट पे और ये रही हमारी गाड़ी खड़ी और हम लोग अब चलते हैं, देखते हैं कि क्या क्या सिचुएशंस हैं और क्या क्या काम हो रहे हैं। सब कोई सेक्शन में आ चुके हैं तो आइए दिखाएंगे नया नया वर्क आपको। यहाँ पे TWS की वर्क चल रही है और ऑलमोस्ट ब्लॉक कंटिन्यू है, समय पे हो भी जाएगा। कोशिश रहती है कि समय पे काम कर लें। चलिए आज आप लोग को एक नया चीज़ दिखाते हैं कि वो जो ट्रैक की ब्लास्ट होती है ना, ये पॉइंट के नीचे जो आप ब्लास्ट देख पा रहे हैं, इन ब्लास्ट को, ट्रैक के नीचे की ब्लास्ट कुशन को पैकिंग किया जाता है। पैकिंग इसलिए किया जाता है कि जब लोडेड गाड़ी उसके ऊपर से गुजरे तो पटरियों पर वर्टिकल मूवमेंट ना आए, यानी पॉइंट के ऊपर पे ऐसे करके कोई वर्टिकल मूवमेंट ना आए। तो वर्टिकल मूवमेंट से बचने के लिए कि हमारी पॉइंट में कोई वर्टिकल मूवमेंट ना रहे, वो वर्टिकल मूवमेंट से बचने के लिए इस ब्लास्ट को समय समय पर इस ब्लास्ट के नीचे, पटरियों के नीचे, आइदर मैनुअली सब्बल से या फिर एक मशीन के द्वारा पैकिंग की जाती है। तो संजोग से अभी मशीन की पैकिंग चल रही है। वहाँ पे ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाऊँगा क्योंकि बहुत अधिक साउंड होती है, आवाज़ बहुत अधिक रहता है मशीन चलने की, आप घर सुन भी पा रहे होंगे। तो वहाँ पे मैं सिर्फ दिखाऊंगा कैसे पैकिंग करता है मशीन से, और बड़ी फाइनली पैकिंग हो जाती है वो ये दो कांटे से वाइब्रेटर के थ्रू। और नॉर्मली वो पॉइंट जोन की एरिया में, ये जैसे पॉइंट जोन की एरिया है इसके स्लीपर के पास में, ये पूरी पॉइंट एंड क्रॉसिंग एरिया पैकिंग करके उसको लिफ्ट कर देता है और अच्छा बना देता है। तो चलिए हम पहुँच गए हैं मशीन के पास जहाँ पर पैकिंग चल रही है। ये मशीन है, ये जो आप देख रहे हैं, मैं जूम कर दूँ, ये मशीन है और इस मशीन में चल रही है पैकिंग। तो इस पैकिंग वाले मशीन पे अभी हम आपको दिखाएंगे पैकिंग कैसे होता है। चलते हैं मशीन के नज़दीक और दिखाते हैं पैकिंग करते हुए। इसको बोलते हैं Unimate 3S। ठीक है, इस ट्रेन की मैक्सिमम स्पीड 60 km/h होती है और प्लाजर इंडिया करके कंपनी है जो इसको बनाती है। कैसे करके ये पैकिंग होता है आइए हम आपको दिखा रहे हैं। बहुत आवाज़ होगी, हमारी साउंड आपको नहीं भी मिल पाएगी, तो मेबी यार हमारी साउंड डिस्टर्ब भी होगी। सिर्फ हम दिखाएंगे आपको कैसे ये मशीन पैकिंग करता है, टेम्पिंग करता है। देखिए ये स्लीपर पे कितनी आसानी से मार रही है,
हमारी प्लाजर इंडिया मशीन जो पॉइंट जोन एरिया में ट्रैक की पैकिंग बड़ी ही फाइन तरीके से करती है, जिसमें कि ये जो पॉइंट के नीचे की ब्लास्ट कुशन है उसकी पैकिंग बहुत ज़बरदस्त हो जाती है, और फिर वो कोई गाड़ी में लर्चिंग मोमेंट नहीं रहता है, ट्रैक पे जर्क महसूस नहीं होती है, ट्रैक बड़ा अच्छा है, स्पीडली ट्रेन मूवमेंट होती है अगर पैकिंग अच्छे तरीके से ब्लास्ट की हो जाए। ये पीवे डिपार्टमेंट का काम है, रेलवे में जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है उसकी पीवे जो है जो ट्रैक मेंटेनेंस एंड रिन्यूअल वर्क होती है उनके अंतर्गत आती है। और ये इसमें भी एक अलग डिपार्टमेंट जिसको ट्रैक मशीन बोलते हैं, ट्रैक मशीन में डिफरेंट टाइप की मशीन होती है जिसमें बी सी एम है, बी आर एन है, एफ आर एम है, प्लाजर इंडिया है, ये सब मशीन को लेकर पैकिंग चलती रहती है। तो चलिए, हमारा टी डब्ल्यू एस वर्क भी चल रहा है, पीछे पैकिंग भी चल रही है, सारे वर्क को एक साथ हम लोग देखते हैं। तो आज का काम भी कंप्लीट हुआ यहाँ पे, जो पॉइंट के टी डब्ल्यू एस लगनी थी आपको यूनिमेट से प्लाजर मशीन से पैकिंग करते हुए दिखाए, और ये सब काम कम्प्लीट होने के बाद अब हम लोग चलते हैं अगले स्टेशन पे। वहाँ पर भी थोड़ी सी काम है एलवीसीडी का, फिर चलेंगे घर गप्पू जी के पास। तो पूरा का पूरा सिस्टम का काम हो गया है, मैं जूम करके दिखा दूँ, ये पूरा लोकेशन था जहाँ पे टी डब्ल्यू एस पॉइंट की वर्किंग हुई, और अभी भी इंजीनियरिंग के कुछ काम चल रहे हैं जिसमें ग्राइंडिंग वर्क चल रहा है, फिनिशिंग वर्क चल रहा है, सब वर्क करने में थोड़े टाइम लगते हैं। बट पॉइंट की टेस्टिंग फाइनल हो गई, चेकिंग हो गई, पॉइंट सेट हो गया, और ये छठा पॉइंट का टी डब्ल्यू एस हम लोगों ने कम्प्लीट कर दिया सक्सेसफुल।